सो वेलकम टू री थ्री डिफाइन। आज हम FDM 3D प्रिंटर्स के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको बता दूं कि ये एक 3D प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। FDM विच स्टैंड्स फॉर फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग सबसे कॉमनली यूज होने वाला प्रिंटर है। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग FDM या फ्यूज फिलामेंट फैब्रिकेशन FFF एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहां मटेरियल एक्सट्रूजन के कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहां ऑब्जेक्ट को प्री डिटरमाइंड पाथ पर लेयर बाय लेयर मटेरियल एक्सट्रूड करके बनाया जाता है। द मटेरियल यूज्ड आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड कम इन फिलामेंट फॉर्म। तो चलो देखते हैं FDM प्रोसेस कैसे काम करता है। थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट के स्पूल को प्रिंटर में डाला जाता है और नोजल को मटेरियल के रिक्वायर्ड टेम्परेचर के हिसाब से गर्म किया जाता है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंचने पर फिलामेंट को एक्सट्रूडर से एक्सट्रूजन हेड में प्रेजेंट गर्म नोजल में ढकेला जाता है जहां वो मेल्ट होता है। सेकेंड, नोजल XYZ एक्सिस में मूव होकर रिक्वायर्ड जगह पर मेल्टेड फिलामेंट को डिपॉजिट करता है। कुछ मटेरियल के लिए फिलामेंट कूल करने के लिए कूलिंग फैंस भी जरूरी होते हैं। किसी भी एरिया को फिल करने के लिए मल्टीपल पासेस लगते हैं। जब एक लेयर फिनिश हो जाती है द बिल्ड प्लेटफॉर्म मूव्स डाउन और द एक्सट्रूजन हेड गोज अप डिपेंडिंग ऑन द प्रिंटर और एक न्यू लेयर डिपॉजिट होती है और ये प्रोसेस रिपीट होती है जब तक कंप्लीट प्रिंट नहीं हो जाता। ये FDM प्रिंटर्स अलग बिल्ड साइज में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप 3D प्रिंटर्स जनरली 200x200x200 mm के साइज में मिलते हैं। मार्केट में इससे भी छोटे साइज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल इजी 3 मिनी डेस्कटॉप चिल्ड्रन 3D प्रिंटर जो 100x100 mm का है बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट यूजर्स। इंडस्ट्रियल ग्रेड 3D प्रिंटर्स जनरली 1000x1000x1000 के साइज में मिलते हैं जैसे द बॉक्स फ्रॉम BLB इंडस्ट्रीज। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ FDM प्रिंटर्स। पहला है कार्टेशियन FDM 3D प्रिंटर्स। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ FDM प्रिंटर है जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है। मतलब यहाँ बेड जनरली एक सिंगल डायमेंशन में मूव होता है जबकि एक्सट्रूडर टू डायरेक्शन में मूव होता है। फिर आते हैं डेल्टा 3D प्रिंटर्स जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इसमें एक राउंड प्लेट होती है और इसका एक्सट्रूडर 3 ट्रायंगुलर पॉइंट्स को कनेक्टेड होता है जो ऊपर और नीचे मूव होते हैं। ये 3 पॉइंट्स इंडिविजुअली मूव होकर पॉइंट ऑफ मटेरियल डिपोजिशन डिसाइड करता है। लेट्स मूव ऑन टू पोलर 3D प्रिंटर्स। ये प्रिंटर्स पोलर कोऑर्डिनेट्स पर काम करते हैं। मतलब इसमें XYZ पोजीशन ना होकर एंगल और लेंथ के हिसाब से पोजीशन डिसाइड होती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 मोटर्स लगते हैं जबकि पोलर कोऑर्डिनेट में सिर्फ 2। फिर आता है इनफाइनाइट एक्सिस 3D प्रिंटर्स। इसमें बेड के जगह पर एक कन्वेयर बेल्ट होता है जहाँ जिसका मतलब ये है कि एक प्रिंट कंप्लीट होने पर कन्वेयर बेल्ट आगे मूव होता है जिससे नेक्स्ट पार्ट प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हमें फर्स्ट प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं होती टू स्टार्ट द नेक्स्ट प्रिंट। इनफाइनाइट एक्सिस 3D प्रिंटर पे लंबे प्रिंट्स भी दे सकते हैं विच वॉज नॉट पॉसिबल ऑन ट्रेडिशनल 3D प्रिंटर्स। उसके साइज की वजह से इसमें एक्सट्रूजन नोजल थोड़ा टिल्टेड होता है जो हम आगे किसी वीडियो में जरूर देखेंगे। फिर आखिर में आता है रोबोटिक आर्म 3D प्रिंटर। यहाँ रोबोटिक आर्म के एंड पर एक्सट्रूडर लगा होता है। ये प्रिंटर अभी तक एक डेवलपमेंट फेज में है। इसका बेनिफिट ये है कि इसका जो प्रिंट वॉल्यूम है इट इज नॉट लिमिटेड टू द बिल्ड प्लेट बट इट कैन मूव एनीवेयर वी वांट। अभी बढ़ते हैं FDM की बेनिफिट्स की तरफ। FDM कस्टम थर्मोप्लास्टिक पार्ट्स और प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए सबसे सस्ता तरीका है। FDM का लीड टाइम कम होता है मतलब उसका स्टार्ट और एंड जल्दी होता है जिसकी वजह से नेक्स्ट डे डिलीवरी भी पॉसिबल है। बहुत प्रकार के थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं जो प्रोटोटाइपिंग या नॉन कमर्शियल फंक्शनल एप्लीकेशन के लिए भी सूटेबल होते हैं जैसे PLA, ABS, PETG, PC, TPU। इसके अलावा भी और भी मटेरियल्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रेड होते हैं फॉर एग्जांपल कार्बन फाइबर, नायलॉन एंड सो ऑन। हर चीज़ के कुछ लिमिटेशंस होते हैं सो चलिए देखते हैं FDM के लिमिटेशंस। FDM की एक्यूरेसी और रेजोल्यूशन बाकी के 3D प्रिंटिंग टेक्निक से कम होती है। इसके कारण इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पार्ट्स विथ वेरी इंट्रिकेट डिटेल्स। इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी इज ±0.5 mm। FDM के पार्ट्स में लेयर लाइंस दिख जाते हैं इसलिए इसे स्मूथ फिनिश के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। कॉमन लेयर हाइट इज बिटवीन 50 to 400 microns।
लेयर एडिशन FDM को एनिसोट्रॉपिक बनाता है, मतलब अलग डायरेक्शंस में इसके प्रॉपर्टीज भी अलग होते हैं। सो ये था वीडियो अबाउट FDM 3D प्रिंटर्स, उसके टाइप्स, उसके बेनिफिट्स, उसके डिसएडवांटेजेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू, कीप प्रिंटिंग।